वेलकम टू दिस चैनल संजय सर। दोस्तों आपने 11th स्टैंडर्ड से अलग फील्ड ज्वाइन कर लिया है, इस फील्ड का नाम है आपके लिए कॉमर्स। अब जो कॉमर्स फील्ड में आप आए हैं तो कॉमर्स फील्ड में क्यों आए हैं, कॉमर्स फील्ड में आने का उद्देश्य क्या था? आप तय किए होंगे तो ही कॉमर्स लिए होंगे, अगर नहीं तय किए होंगे तो तय कर लीजिएगा। दोस्तों हम बात करते हैं, चाहे वो हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, हम बात करते हैं इंजीनियर्स की, हम बात करते हैं लॉयर्स की, या चाहे जो भी टीचर्स जो भी हों, बड़े से बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, उन सबको जो है एक सहारा लेना पड़ता है इनकम टैक्स पे करने का, और उनको जाना पड़ता है सीए के पास में। जो सीए जो वर्ड है, सीए ये जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है आप बन सकते हैं, तो एक ही स्ट्रीम है वो है कॉमर्स। तो आपने ये स्ट्रीम चूज किया है तो जो भी आपको आगे बनना हो, और इसमें सबसे बड़ा जो कहेंगे एक अवधा है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। दोस्तों हम शुरू करते हैं आज 11th स्टैंडर्ड का बेसिक्स। आज आपको मैं सिखाऊंगा 11th स्टैंडर्ड का बेसिक में क ख ग घ या फिर ए बी सी डी क्या होता है अकाउंट्स का बेसिक्स। दोस्तों अकाउंट ऐसे सीखने के पहले हमें सीखना होगा बुककीपिंग। बुककीपिंग को देखते हैं छोटे से एक डेफिनेशन से। दोस्तों हम देखेंगे बुककीपिंग को अकॉर्डिंग टू आर एन कार्टर। आर एन कार्टर जी ने क्या कहा है अकाउंट बुककीपिंग के बारे में, उन्होंने कहा है बुककीपिंग इज द साइंस। हम देखेंगे बुककीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट। बुककीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ। बहुत सिंपली डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि बुककीपिंग एक साइंस है और एक आर्ट है। किसका? करेक्टली रिकॉर्ड करने का। किसमें रिकॉर्ड करेंगे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के बुक में। किसको? ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो सभी बिजनेस के लेन देन को, ट्रांजेक्शन को, लेन देन बिजनेस के लेन देन को, जो भी आप खरीदोगे बेचोगे बाय एंड सेल करोगे, जो भी चीजें, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होंगे उसको आप लिखोगे। डैट रिजल्ट, उसका यही परिणाम होगा कि ट्रांसफर ऑफ मनी, पैसे का आवागमन होगा। ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ या पैसे के कीमत का, कोई वस्तु का आवागमन होगा। तो ये डेफिनेशन कह रहा है सिंपल तरीके से बुककीपिंग के बारे में। दोस्तों देख रहे हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। बेसिक टर्म्स वैसे ही है जैसे कि हम कहते हैं ना कि लेटर्स पढ़ते हैं ए बी सी डी अल्फाबेट्स के, तो ए बी सी डी जब आएगा तब हम आगे मिला के पढ़ पाते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। वैसे ही अकाउंटेंसी सीखने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो मैं इसे कुछ बेसिक टर्म्स में आज एक्सप्लेन करूंगा, फिर डायरेक्टली मैं कुछ मेन पॉइंट्स पे जाऊंगा। मैं कह रहा हूं सबसे पहला बेसिक टर्म्स में बता रहा हूं यहाँ पे गुड्स। हम गुड्स की बात करते हैं, गुड्स क्या है? गुड्स का मतलब यहाँ पे वस्तु या कोई आर्टिकल। गुड्स मीन्स एनीथिंग इन विच बिजनेसमैन डील्स। गुड्स का मतलब वो होता है जिसमें कि बिजनेसमैन जिस चीज से डील करता है वो उसके लिए गुड्स होता है। मैं एग्जांपल दूंगा, अगर एक वेजिटेबल सेलर है तो वेजिटेबल सेलर के लिए वेजिटेबल्स क्या है? उसकी गुड्स है। हम बात करते हैं क्लोथ मर्चेंट की, तो कपड़ा क्या है उसके लिए? जो क्लोथ सेल क्या है उसके लिए? वो गुड्स है। हम बात करते हैं अगर कोई मान लो कि आप मिठाई वाले को देख लीजिए, उसकी जो मिठाइयां हैं उसके लिए गुड्स हैं। ऐसे ही हम कहेंगे कि जो भी बिजनेसमैन जिस चीज में डील करता है वो उसका गुड्स होता है। दोस्तों सेकेंड चीज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, वो है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? इसे कहते हैं हिंदी में लेन देन, लेना और देना। हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन की, तो ट्रांजेक्शन का इसके पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। दोस्तों ट्रांजेक्शन तीन टाइप के होते हैं। पहला ट्रांजेक्शन होता है बार्टर, पहला होता है बार्टर, सेकेंड होता है कैश, और थर्ड होता है क्रेडिट। बार्टर का मतलब होता है वस्तु के बदले में वस्तु। एक कोई हम एक चीज देंगे दूसरी चीज लेंगे। एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर मैं आपको वीट देता हूं, चावल गेहूं देता हूं, तो आप मुझे दोगे मान सपोज यहाँ पे राइस, आप मुझे यहाँ पे राइस दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक वस्तु से दूसरे वस्तु का हमने लेन देन किया। व्हेन वन आर्टिकल इज एक्सचेंज टू द अनदर आर्टिकल इट इज कॉल्ड एज अ बार्टर ट्रांजेक्शन। नाउ सेकेंड वन इज अ कैश ट्रांजेक्शन, इसे बोलते नगद लेन देन।
जब हम कोई भी चीज खरीदें और तुरंत ऑन द स्पॉट हम उसका पेमेंट कर दें तो वो कहलाएगा हमारा कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शंस को कहते हैं नगद लेन देन या फिर रोकड़े का लेन देन। हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे मान लीजिए कोई हमने गुड्स खरीदा, तो गुड्स हम खरीदेंगे तो उसको तुरंत हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देंगे कैश में। कैश से पेमेंट करो चाहे चेक से पेमेंट करो वो आएगा कैश ट्रांजेक्शन। हम बात करें थर्ड, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट मतलब उधारी का लेन देन, जब हम एक चीज बेचते हैं और उसका जो पैसा जो है वो आज नहीं मिलती कल या परसों से एक महीने दो महीने बाद मिलेगा, उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हम देखें ट्रांजेक्शन तीन टाइप के होते हैं, एक होता है बार्टर, एक होता है कैश और एक होता है क्रेडिट। इस पे ज्यादा फोकस अब नहीं होगी, अब सिलेबस में नहीं आते हैं, हम बात करेंगे कैश का और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का। चलिए देखिए दोस्तों अब हम आगे करने जा रहे हैं, इसके बाद ना डायरेक्टली दोस्तों मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूं और बेसिक जो टर्म्स होंगे हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं वो हम सीखते रहेंगे। दोस्तों अब पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट, अकाउंट के टाइप्स। अकाउंट के हमें दो टाइप्स हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के यहाँ पे तीन टाइप्स हैं, पहला है नेचुरल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं नेचुरल की, तो कोई भी व्यक्ति विशेष का नाम होगा उसे बोलते नेचुरल अकाउंट। हम दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल पर्सनल नेचुरल, नेचुरल के एग्जाम्पल्स। हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के नाम का, मैंने एक नाम लिया यहाँ पे राम, तो राम्स अकाउंट। किसी भी नाम को लिखेंगे, नाम को लिखने के बाद यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे तो उसे पढ़ेंगे राम्स अकाउंट, राम का अकाउंट। तो ए कैपिटल होगा और ऑब्लिक सी स्मॉल होगा। दोस्तों इस प्रकार से हम शॉर्ट फॉर्म में अकाउंट्स को लिखेंगे। तो जब किसी भी हम व्यक्ति का नाम लिखेंगे तो वो होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके दोस्तों कुछ और नाम देखते हैं, तो यहाँ पे सपोज हम लिखे रहीम, तो रहीम्स अकाउंट। हमने बोला जॉन, तो जॉन्स अकाउंट। जसवीर, जसवीर्स अकाउंट। अगर मान लीजिए राम ने कोई अपना यहाँ पे बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, उसने क्या किया अपना एक एम्पायर खड़ा किया, नाम लिया राम ट्रेडिंग, राम ट्रेडिंग अकाउंट। ये राम ट्रेडिंग कंपनी का नाम है तो राम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब किसी भी व्यक्ति के नाम से जब वो खुद अपना कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, कोई इंस्टीट्यूट खोल लिया है, तो उसे कहेंगे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब ऐसे मान लीजिए रहीम है, रहीम ने मान लीजिए हॉस्पिटल खोल लिया तो लिखेंगे रहीम्स, रहीम्स हॉस्पिटल या रहीम हॉस्पिटल अकाउंट। हम बात करें जॉन की, जॉन्स मुझे एक बैंक खोला है तो हम लिखेंगे जॉन्स बैंक अकाउंट, जॉन बैंक अकाउंट। जसवीर का मान लीजिए कोई भी एनजीओ है तो बोले हम लोग यहां पर जसवीर एनजीओ अकाउंट। तो जो भी कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम होगा तो उसे कहेंगे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हम ये तो एक रफली एग्जांपल दिया मैंने नाम को लिंक करते हुए कि ये व्यक्तियों का कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा उसे कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हम बात करें कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी बिजनेस एम्पायर, कोई भी ट्रेडिंग कंपनी हो या कोई भी हम बात करते हैं एनजीओ वगैरह हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करते हो या किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करते हो, एसोसिएशन की बात करते हो, वो सब हमारा आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये पहचानने के लिए दिया है। अब आगे देखते हैं लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट करता है वो वर्ड। एग्जाम्पल लूंगा मैं यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है दोस्तों कि जब हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जब घर से पैसा बिजनेस को आता है उसे कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल किसी व्यक्ति विशेष का पैसे को इंडिकेट कर रहा है, तो किसी पैसे को लेकर किसी व्यक्ति का पैसा है तो वो हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हम बात करते हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या हुआ इसमें, यहाँ पे ड्राइंग मतलब जैसे कि यहाँ पे कैपिटल में घर से पैसा बिजनेस को आता है, वैसे जब बिजनेस से पैसा घर को जाएगा पर्सनल यूज के लिए उसे कहेंगे ड्राइंग।
तो ड्रॉइंग क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम बात करते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग की, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहिए, आउटस्टैंडिंग इनकम कहिए, कि जो भी यहाँ पे अकाउंट होगा वो हमारा होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात, आउटस्टैंडिंग रेंट, मुझे आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब क्या होगा, रेंट देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग कमीशन, मुझे कमीशन मिलना बाकी है, तो किसी व्यक्ति को देना बाकी है, किसी व्यक्ति से लेना बाकी है, तो ऐसे कुछ शब्द होंगे तो वो भी किसी व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हम देखते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हो गया वर्ड, प्रीपेड हो गया, प्रीपेड यहाँ पे एक्सपेंस होता है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। हम बात करते हैं एडवांस, एडवांस इनकम अकाउंट, ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, हम थोड़ा सा एग्जांपल देंगे अभी यहाँ पे, लोन अकाउंट। तो ऐसे कुछ नॉर्मली जो कुछ भी आपके सामने लिखे दिया हुए किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डिटेल हम आगे और वीडियो देखते रहेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं इन पर्सनल की, तो इन पर्सनल क्या होगा, जो व्यक्ति से परे है तो उसे कहते हैं हम इन पर्सनल पर्सनल अकाउंट, इन पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल के यहाँ पे दो टाइप्स हैं, पहला है रियल और दूसरा है नॉमिनल। रियल के दो टाइप्स हैं, पहला है टेंजिबल और दूसरा है इनटेंजिबल। टेंजिबल वो अकाउंट जिसे हम देख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, तो उसे कहते हैं टेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम लोग यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया मोटर कार की, मोटर कार अकाउंट। हम बात करते हैं यहाँ पे कैश की, कैश अकाउंट। फर्नीचर की, फर्नीचर अकाउंट। तो ये कुछ चीजें जो है वो हम अपने पास रख सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसे कहते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। ये सब हमारे एसेट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल रियल अकाउंट का एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले इनटेंजिबल होता क्या है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, उसे कहते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ये भी हमारे एसेट्स होते हैं। देखिए ये एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिसे हम देख नहीं सकते, पर इसका बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंस रहता है इसका। हम बात करें गुडविल की, तो गुडविल मतलब होता है इमेज, किसी भी बिजनेस का इमेज जो होता है उसे कहते हैं गुडविल। गुडविल से ही किसी भी ब्रांड की इमेज बनती है, तो गुडविल जो है वो हमारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। हम बात करते हैं तो और एग्जाम्पल देखेंगे तो पैटेंट राइट, जितने भी राइट्स है ना जो सरकार से खरीदना पड़ता है, ये सब राइट है, तो पैटेंट राइट्स। हम बात करें कॉपीराइट की, तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ऐसे हमारे राइट्स हैं जो कि गवर्नमेंट से खरीदने पड़ते हैं। क्यों होते हैं कि सपोज हमने राइट हमने खरीद लिया है, अगर वही चीज कोई और बंदा करता है तो हमारे पास एक पावर होता है कि हम उसे कस्टडी दे सकते हैं। मतलब क्या होगा कि हमारा इतना पावर है कि कोई भी हमारे बिजनेस एम्पायर का नाम, हमारा पैटर्न वो नहीं ले सकता, इन पावर की वजह से। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़े अधिकार होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। तो ये हमारे इनटेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। हम बात करते हैं नॉमिनल की, तो नॉमिनल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जहां पे क्या होता है, खर्चा होता है या तो इनकम होता है। तो यहाँ पे दो टाइप्स में आ गया, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम और गेन्स। यहाँ पे एक्सपेंस की बात करेंगे हम लोग, तो जब कभी भी पेड वर्ड हो, पेड, जब पेड वर्ड आए या इनकर्ड आए तो लॉस बताएगा। तो ऐसे जो भी वर्ड्स होंगे तो हमारे लिए वो क्या होंगे, एक्सपेंस होगा, वो होगा नॉमिनल अकाउंट। हम बात करें रिसीव्ड की, आर ई सी ई आई वी ई डी, हम रिसीव्ड की बात करते हैं, तो कुछ भी रिसीव्ड कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला कि यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तो रिसीव्ड होगा तो हमारा इनकम होगा, या अर्नड होगा तो हमारा वो गेन होगा, तो प्रॉफिट होगा। तो अब ऐसे ही जो भी हमारे रिसीव्ड होंगे या गेन्स होंगे, हमारे इनकम्स होंगे, उसका हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। तो दोस्तों हमने अभी क्या देखा, अकाउंट, अकाउंट को मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ सिंपल तरीके से। हमने देखा था पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल के तीन टाइप्स हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में कोई भी व्यक्ति का नाम होगा और व्यक्तियों की कोई भी इंस्टीट्यूशन होगी या उसका बिजनेस एम्पायर होगा, नाम होगा, तो उसे कहेंगे हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हम रिप्रेजेंटेटिव में कहेंगे कि जो कोई भी ऐसे टर्म्स जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
और हम देखते हैं इम्पर्सनल, जो व्यक्ति से परे तो इम्पर्सनल अकाउंट होता है। इसमें दो टाइप्स थे, रियल था और एक नॉमिनल है। तो रियल के दो टाइप्स हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल। नॉमिनल दो टाइप्स हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम और गेन्स। ठीक है दोस्तों, मेन चीज यहां देखा जाए तो आप जब अकाउंट से पूछता है क्लासीफाई दी अकाउंट, और क्लासीफाई करने के लिए सिर्फ तीन अकाउंट मेन होते हैं। हमें बात करें पर्सनल अकाउंट की, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट की। डिटेल को समझने के लिए हमने इसको और बेसिफिक किया था, हमने तीन पार्ट में यहाँ पे और भी पार्ट किया था, पर मेन तीन अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। ठीक है दोस्तों, आपको ये बांटना होगा। एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया, सपोज मुझे यहाँ पे कह दिया किसी ने कि यहाँ पे कैश अकाउंट दिया हुआ है। कैश अकाउंट के बारे में कौन सा अकाउंट है तो हमें बताना, कैश एक है रियल अकाउंट, तो निश्चित भी रियल अकाउंट। मैंने नाम दिया सुधीर, सपोज सुधीर, सुधीर अकाउंट दिया, लिख लिया, क्या है ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। सीधा मैंने कहा पर्सनल अकाउंट, मुझे यहाँ ये नहीं बताना होगा कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मुझे यही नहीं बताना होगा कि टेंजिबल रियल अकाउंट, वो सिर्फ समझने के लिए बता दी आपको। मैंने मेन आपको बताना है रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट। मैंने एग्जाम्पल और लिया, मैंने यहाँ पे सपोज मान लो कि सैलरी पेड, तो सैलरी यहाँ पे दिया हुआ, सैलरी यहाँ पे अकाउंट, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस क्या हो गया हमारा एक नॉमिनल, तो यानी कि नॉमिनल अकाउंट। तो ये इस प्रकार से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ये हम आगे एग्जाम्पल और भी देख लेंगे। गोल्डन रूल्स में हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट के रूल्स, रियल अकाउंट के रूल्स और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स। हम लिखेंगे यहाँ पे डेबिट और लिखेंगे क्रेडिट। अब ऐसे यहां भी डेबिट क्रेडिट, ये आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं दोस्तों, सीखिए डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, यहां भी डेबिट क्रेडिट। जिंदगी भर का साफ पकड़ना है इससे अकाउंट्स के लिए। दोस्तों बात पर्सनल अकाउंट की, तो डेबिट कौन होता है, जो रिसीवर, जो लेगा, कोई व्यक्ति है ना, तो जो लेगा वो डेबिट, जो देगा वो क्रेडिट। हम देखते हैं डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दोस्तों ये गाना याद रखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट दोस्तों डेबिट और क्रेडिट, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या रियल अकाउंट में होगा, कुछ चीजें आएंगी कुछ चीजें जाएंगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो देखेंगे नॉमिनल अकाउंट, इसमें डेबिट, यहां पे हम देखा था एक्सपेंसेस और लॉसेस के बाद, और इनकम और गेन की बात, तो जो एक्सपेंसेस लॉसेस होगा वो सब डेबिट में होगा, और जो इनकम और गेन होगा हमारा क्रेडिट होगा। तो देखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इस प्रकार से हम देख लिए गोल्डन रूल्स, अब एक बार दोहरा लेते हैं दोस्तों। गोल्डन रूल्स देखिए, पहले पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। दोस्तों इसके अगले वीडियो से मैं शुरू करूंगा आपको अकाउंट को पहचानना, कि एक स्टेप ट्रांजेक्शंस लेंगे, ट्रांजेक्शंस में सात कड़ी जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे। ट्रांजेक्शन कौन से प्रकार का है, ट्रांजेक्शंस के दो एस्पेक्ट कौन से हैं, ट्रांजेक्शन दो एस्पेक्ट जो आए हैं तो उसमें दो अकाउंट्स कौन से हैं, वो अकाउंट के क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन कौन से टाइप के हैं, फिर देखिए उसमें रूल्स कौन सा अप्लाई होगा, फिर डेबिट क्या हो, क्रेडिट क्या हो, इस बारे में हम डिटेल में वीडियो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, किसी ने कुछ कहा है इस बारे में, क्या कहा है, कहा गया है, टर्म कहा गया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। दोस्तों कोई चीज दुनिया में असंभव नहीं है, संभव बनाने के लिए आप लोग अपने आप पे विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए। सो दोस्तों इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, थम्स अप दे दीजिएगा अपना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।